तो मैंने जब YouTube चैनल स्टार्ट किया, मैंने भी बहुत जगह जाकर ढूंढा था हाउ टू गेट सब्सक्राइबर, कैसे मिले सब्सक्राइबर। तो बहुत जन के पास से मेरे को एक ही आंसर आया और बहुत सारे वीडियोस देखे कि कंसिस्टेंसी इज द किंग। बहुत जन से मुझे आया कि कंसिस्टेंसी इज द किंग। यस, तो कंसिस्टेंसी, तो मैं फिर कंसिस्टेंसी करने लग गया। उसके बाद मुझे खुद पे रियलाइज हुआ कि मैं कंसिस्टेंसी तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं सामने वाले को इतना अच्छा क्वालिटी दे रहा हूँ जो देख के सामने वाला मेरे पास आए, जो व्यूअर रहेगा जैसे आप हो, आप मेरे को देख के क्या आप लोग फिर से रिटर्न आना चाहोगे देखने के लिए। तो इसके ऊपर मैंने पहले काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे गाइस। हाय गाइस, दिस इज सुदीप, वेलकम टू माय चैनल बेस नो क्लास। मेरा एक वीडियो आने वाला है Q&A का, तो मैंने इस बार कुछ हटके बनाया है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियोस भेजना है, आपका क्वेश्चन जो भी रहेगा वो मेरे को वीडियोस भेजना है, एंड वो जो वीडियो रहेगा उससे मैं बनाऊंगा Q&A वीडियो। लेकिन उसके पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप लोगों को फॉलो कर लेना है एंड उसका एक स्क्रीनशॉट भेज देना है। छोटा काम है बस, और कुछ नहीं करना है फॉर द मेन टाइम। एंड आपका जो भी वीडियो रहेगा आपके चैनल के नाम के साथ ये वाले वीडियो पे दिखेगा, मींस जो भी Q&A का वीडियो आएगा उसमें दिखेगा। आज मंडे है, थर्सडे तक हम लोग लास्ट क्लोजिंग करेंगे, थर्सडे को लास्ट रहेगा ये। थर्सडे तक मैं वेट करूंगा, आप लोग जितना भी वीडियोस होगा फटाफट मुझे भेज दो आपके हिसाब से। जैसे आपको पता है कि हम लोगों को ऐसा ऐसा क्वालिटी हम लोगों का बढ़ाना चाहिए, तो मेरा एक ही कहना है कि हम लोगों को क्वांटिटी के ऊपर नहीं ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी हम लोग जितना अच्छा करेंगे उतना हम लोगों के व्यूअर लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग बताओ, जो मेरा पहले बैकग्राउंड हुआ करता था, एक नॉर्मल सा बैकड्रॉप मैं लगा के यूज़ करता था, उसी में मैं जैसे तैसे मैं काम करता था ना, आप लोगों के साथ मैं बात करता था, एंड सेम थिंग। उसके बाद मैंने ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जैसे आपको पता है पीछे मेरा सब वो अलग अलग मैं बैकग्राउंड यूज़ करने का। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा और क्वालिटी क्यों ना बढ़ाया जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं आहिस्ता इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा दिखे, मैं अच्छा दिखूँ कैमरा में, ताकि लोग ज़्यादा इंस्पायर हो मुझसे, और सामने जो भी आप देख रहे हो शायद मुझसे कुछ सीख के आप लोग भी आपको चैनल शायद आगे बढ़ा पाओ। ये सब मैं कुछ सोच के ये सब लाया हूँ मैं आपके लिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, मतलब आप लोगों को अच्छा लग रहा है इसके लिए आप लोग देख रहे हो, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस करूँ अच्छी चीज़ों में, ना कि वही दिखा के मैं आपको पकाते रहूँ ये करूँ। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को बताओ, हम लोगों को क्वालिटी के ऊपर मेन ध्यान देना चाहिए, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। बहुत जन होते हैं जो यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और उसके बाद सब लोग एक ही चीज़ बोलते हैं वैसे भी, कि कंसिस्टेंसी। लेकिन कंसिस्टेंसी करके भी क्या होगा, जबकि अगर सामने वाले को अगर आपका कॉन्टेंट पसंद ही ना आए, राइट। ऐसे बहुत जन है जो डेली वीडियोज डालते हैं, एक एक दिन छोड़ छोड़ के वीडियोज डालते हैं। तो क्या हम लोगों को डेली वीडियोज डाल के भी इतना अच्छा आपको रिस्पांस मिल रहा है, ये आपको सोचना है। तो आप लोग किस चीज़ के ऊपर काम करना चाहोगे? मेरे ख्याल से आप लोगों को सबसे पहले काम करना चाहिए कि क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो। मैं क्वालिटी मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अभी जाके 1.5 लाख रुपए का कैमरा खरीदना चाहिए या 50,000 रुपये का कैमरा खरीदना चाहिए, सिंपल है, मैं इसके लिए कभी नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग अपने फ़ोन से भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हो। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, मैं फ़ोन के साथ भी एक वीडियो बना दूंगा फ़ोन से रिकॉर्ड करके, इन द सेंस। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो जो शायद लोगों को पसंद आए, राइट। अभी तो आपको ये बैकग्राउंड जैसे भी लग रहा हो, अभी और कुछ दिन में शायद मैं और इससे ज़्यादा पावरफुल बैकग्राउंड कर दूँ, ताकि और लोगों को अच्छा लगे। एंड हम लोग सी जितने भी लोग हैं, हम लोग एक चीज़ तो कभी ना कभी ढूंढते ही है कि स्टूडियो सेटअप किधर ना किधर ढूंढने जाते ही है। तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा स्टूडियो बनाऊं, चीप एंड बेस्ट में कैसे काम कर सकते हैं। बहुत जन होते हैं कि आप लोग जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर का देख लो, जैसे केसी नाइस्टार्ट हो गया, उनका तो मतलब बात ही अलग है। उनका अगर स्टूडियो आप लोग देखोगे तो मतलब हम लोग पागल हो जाएंगे, ऐसे ऐसे स्टूडियो बना के रखा है उन्होंने। वायर्स जो है वो भी एकदम जगह पर है, हर एक चीज़ उन्होंने एकदम अच्छे से किया हुआ है। अब किसी का भी देखो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनका एकदम स्टूडियो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके लिए इतना सारा पैसा लगता है, इतना सारा टाइम लगता है।
तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना क्यों DIY बनाया जाए और DIY बना के आप लोगों को बताया जाए हर एक चीज की कैसे और ज्यादा अच्छा कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर मेरा एक लाइट है और मेरा सिंपल वही कैमरा है और मैं पीछे काफी चीज दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि और क्या 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 एडअप किया जाए, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगना चाहिए, उसके बाद अगर मुझे अच्छा लगा तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। हम लोग कहीं भी बैठ के वीडियोज बनाने लगते, ठीक है, वो एक लेवल रहता है, जैसे हर एक का एक एक लेवल होता है, राइट। जैसे आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, उसके बाद आप लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो सब चीज का एक एक लेवल होता है। जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहोगे उसका एक अलग लेवल रहेगा, तो आप जब तक टेंथ तक पहुंच जाओगे तब आप लोग पूरे चेंज हो गए रहोगे। हमेशा आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं खुद को चेंज कर लूँ, आपके कपड़े पहनने का ढंग, आपके सब कुछ चेंज हो सकता है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसके लिए आप लोगों को बताओ कि क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। बहुत जन ऐसे होते हैं कि डेली वीडियोस डालते रहेंगे, लेकिन क्या वो क्वालिटी अच्छा है जो सामने वाले को देख के, मीन्स जो भी व्यूअर है उनको देख के अच्छा लगेगा? नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो लोग सिर्फ क्लिक करते और बंद कर देते, वो व्यू काउंट नहीं होता। अगर कोई व्यूअर उसको 15 सेकेंड के तक देखता है तो यूट्यूब उसको काउंट करता है एज अ व्यू एंड उसका रेटिंग देता है कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इतना हम लोगों को फिर वॉच टाइम मिलता है उसमें। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ों में होता है। अगर कोई भी व्यूअर आया आपके वीडियो पे क्लिक किया और फिर वो निकल गया तो व्यू काउंट नहीं होता है। ये सब चीज़ें मैं बहुत सारी चीज़ें देख चुका हूँ। तो ना आपका बढ़ेगा व्यूज़, ना होगा कुछ। हम लोग भी परेशान हो जाते हैं कभी कभी कि अरे यार व्यूज़ नहीं आ रहे, यार व्यूज़ नहीं आ रहे, ना सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान देना है क्वालिटी के ऊपर, तब जाके सब्सक्राइबर भी आएंगे एंड व्यूज भी आएंगे। अगर आप लोग क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दोगे तो आप लोगों का चैनल बहुत ज़्यादा खतरे में हो सकता है आपका चैनल, क्योंकि आप लोग क्वांटिटी के चक्कर में क्या हो जाता है, हम लोगों का क्वालिटी डाउन हो जाता है। हम लोग डेली वीडियोस बनाने लगते हैं, फिर हम लोग का एक तो दिमाग काम नहीं करता है उसमें, हम लोग क्या करें ऐसा चलता रहता है। हम लोग क्या करें, इसके बाद कौन सा लाए, इसका थंबनेल कैसे बनाए, इसमें लाइटिंग्स कैसे दिखाए या इसमें एडिटिंग कैसे दिखाए, तो ऐसे बहुत काम होता है। इसलिए बोलता हूं मैं क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। तो ये वीडियो तो बहुत ही छोटा था, मैं आपको यही बताने आया था कि हम लोग को ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे चीज़ों के ऊपर। तो वही पला आया था जहाँ पर मुझे मांगना है बहुत सारा भीख। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन तो ज़रूर दबाना, ताकि आप लोगों के घर तक पहुंच जाए मेरा वीडियो और आप लोग को टिंग टिंग करके देख लो मुझे। और मेरे साथ आप लोग जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पे भी, अगर वहाँ पर कुछ बात बात करना है मेरे साथ तो प्लीज़ वहाँ पर इंस्टाग्राम पे फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। वे ड्रिल एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे गाइस। आई विल सी यू ऑन माय वीडियो, तब तक के लिए बाय।